हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा अलग टाइप का होने जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं रेगुलर हेयर केयर या स्किन केयर पे या DIYs पे वीडियो नहीं बनाती हूँ। कभी कभी मेरी जो टॉपिक्स होती है थोड़ी सी अलग हटके हो जाती है। तो आज की जो मेरी टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है जिनके अभी प्री बोर्ड्स आने वाले हैं। आप समझ सकते हो मैं किन के बारे में बता रही हूँ। तो मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बोलना चाहूँगी उनके पेरेंट्स को। मैं उनके पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि आपके बच्चों का प्री बोर्ड है, उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम आएगा। आप सबको देख के बच्चे को ये प्रेशर मत दे कि तुम्हें भी फर्स्ट डिवीज़न लाना है, तुम्हें भी 90% लाना है, तुम्हें भी 99% लाना है, तुम्हें भी टॉप करना है। ऐसा मत करें। सबकी ब्रेन की कैपेसिटी सेम नहीं होती है। सभी पढ़ाई में अच्छे नहीं हो सकते हैं। कोई अगर पढ़ाई में अच्छा है तो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई किसी और चीज़ में अच्छा है। तो प्लीज़ आप उन्हें प्रेशर मत दीजिए अभी से ही कि तुम्हें पढ़ो 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 उन। ठीक है, आप गाइड कीजिए उनको, वो मैं मना नहीं कर रही हूँ। आप उन्हें गाइड करो, बट प्रेशर मत दो कि तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें इतना परसेंट लाना है। आप ये सोच के देखो कि अगर उनके जगह आप हो, क्या आपको आई थी वो परसेंटेज? या अभी अगर आपको एग्ज़ाम देने बैठा दिया जाए आप ले आओगे? नहीं ला सकते। सबकी ब्रेन की कैपेसिटी अलग होती है। मान सकते हैं कि आप अपने टाइम पे टॉपर हुए होगे, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपके बच्चे भी वही होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। सब अपने अपने जगह पे, क्या बोलते हैं, 30 मार्क का होते हैं। मतलब सब, कोई स्पोर्ट्स में आगे है, कोई एक्टिंग में आगे है, कोई डांसिंग में आगे है। और आजकल तो चल भी रहा है ना, जो जिस लाइन में आगे हैं उनको अपना स्टेज मिल जा रहा है। तो झूठ मूठ का उन्हें प्रेशर दे के आप ऐसा क्यों करोगे कि वो अगर नहीं कर पाए फुलफिल आपके जितने भी नीड्स हैं उनको, तो उन्हें कुछ और रास्ता अपनाना पड़ जाए। आप सुनते ही हो न्यूज़ में, हर जगह सुनते हो कि रिजल्ट के बाद बच्चे ने कुछ गलत कर लिया। क्यों? तो सबकी, वही मैं बार बार बता रही हूँ कि सबकी ब्रेन की जो कैपेसिटी है सेम नहीं होती है। अब जब आप प्रेशर दोगे तो उसके अंदर ऐसे ही ऑटोमेटिक प्रेशर है कि मुझे एग्ज़ाम में कैसे मार्क्स अच्छे लाना है। तो क्योंकि बचपन से ही आप उसे प्रेशर देते आए हो कि तुम्हें इतना मार्क्स लाना है, तुम्हें इतना मार्क्स लाना है। तो अब तो छोड़ दो, अब उस पर छोड़ दो। उतना एज हो चुका है कि वो समझ गया हो कि उसे कितना परसेंटेज लाना है। ठीक है, वो नहीं ला पाया, उसके सपोर्ट में खड़े रहिए। अगर वो 50% भी लाता है लेकिन वो उसके अंदर गिल्ट फील हो रही है कि मैं इतना कम परसेंटेज लाया हूँ, तो आपको उसके सपोर्ट में खड़ा रहना है ताकि उसको ये नहीं लगे कि आप उससे नाराज़ हैं। वो जितने भी परसेंटेज लाया हो अपनी मेहनत से ला रहा है, नहीं तो फिर वो चोरी करेगा। अगर उससे याद नहीं होगा तो वो चोरी करेगा मार्क्स उठाने के लिए, और नहीं उठा पाया तो फिर गलत कदम उठाएगा। बच्चे तो आप ही के हैं, तो आप उसे क्यों प्रेशर दोगे कि आप ऐसा करो कि उसका सपोर्ट में खड़े हो? बच्चे तो आप ही के हैं, तो आपको उसके सपोर्ट में खड़े रहने से ये फ़ायदा होगा कि कभी भी अगर कोई भी एग्ज़ाम उसकी ख़राब जाएगी वो आके आपसे शेयर करेगा। अगर वो ना निकाल पाए एग्ज़ाम, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा से करेगा। उसको सब एकदम प्रेशर दे के आप बर्बाद नहीं कर सकते हो। वैसे एक बार ध्यान देना मेरे इस बातों को आप लोग, क्योंकि 90% केसेस अगर जो गलत होते हैं ना रिजल्ट्स के बाद, तो उसके पीछे गार्जियन का हाथ होता है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं बच्चों को कि तुम्हें इतना परसेंटेज लाना है, वो नहीं ला पाते हैं तो उन्हें शर्म आने लगती है कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे मुंह दिखाऊं। या फिर बहुत सारे पेरेंट्स ये भी करते हैं कि रिजल्ट के बाद अगर देखते हैं कि उतनी मार्क्स नहीं है तो वो ये कहने लगते हैं कि मैं दूसरे, इसका बेटा इतना लाया है, उसकी बेटी इतना लाई है, मैं किसी को मुँह कैसे दिखाऊँ? क्यों भाई, क्यों नहीं दिखा सकती हो मुँह? ये आपकी सोच है कि उसकी अच्छी आई है तो मेरी भी अच्छी होगी, ऐसी नहीं होती है। इसलिए किसी से कंपेयर मत करो बच्चों को। जो आपके बच्चे में है क्वालिटी उसे देखो, समझो, और अगर देख रहे हो कि बच्चे में पढ़ाई में उतनी अच्छी दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो जिस लाइन में है उसमें उसे आगे बढ़ाओ। देखो वो मन से करेगा जो भी चीज़ करेगा। प्रेशर देके ज़्यादा दिन आप नहीं करवा सकते हो, कुछ दिन करेगा उसके बाद उसका मन उब जाएगा। अगर आपको लाइफ टाइम अच्छे से उसको करवाना है कोई भी काम, तो उसकी जो इंटरेस्ट है उसको देखिए। तो प्लीज़ बच्चों को प्रेशर देना बंद कीजिए। ऐसे एग्ज़ाम के टाइम है,
उनके माहौल को खुशहाल रखिए, उनको जो जो चीज़ खाना पीना पसंद है वो बना के दें, उनको जो चीज़ अच्छी लगती है वो सब करें, और उनको ये मत बोलें कि तुम्हें इतना परसेंटेज लाना है। उनको आप ये बोलें कि तुम जो भी लाओगे मैं उसमें खुश हूँ। आप ये बोल के देखो, देखो बच्चे कितने अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो यूज़फुल रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरा चैनल अगर अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।